जी अब देखें। हो रही है स्टार्ट करें आप। चलो ठीक है। अच्छा आज हमने जो है फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। लो जी अब आने शुरू हो गए। फंक्शंस के बारे में पढ़ना ठीक है। चलें अब आते रहे, ये साइड पे लगा देते हैं इनको। अच्छा जी आप फंक्शन चाहे मुझे स्क्रीन शेयर रहेगी तो मैं खुद ही अलाउ कर दूंगी उनको। चले मैं कर देता हूँ, होस्ट बना देता हूँ। जी अब ठीक ठीक है जी। सर, अब आप चलें स्टार्ट करें। ठीक है। अच्छा फंक्शन से हमने स्टार्ट करना है। रिलेशन आप पढ़ के आए हैं, सर बिलाल ने आपको करवाए हैं ठीक है। फंक्शंस हम देखते हैं जैसे कि अगर तो आप टर्म्स देखें, हम ये सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आज देखना है इसको ठीक है। रिलेशन और उसकी टर्म की सेंस में ही हम फंक्शंस को भी लेके चलते हैं। कुछ फंक्शन को पहले पढ़ाते हैं और रिलेशन को बाद में, यानी कि दोनों वही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं दोनों टर्म्स जो है ठीक है। इनमें जो चीज है, अब जो फंक्शंस अगर आप देखें तो प्रोग्रामिंग की सेंस में, तो वो आपने कई दफा पढ़ लिया होगा, सी में भी पढ़ा होगा, जावा में भी पढ़ा होगा, जो सेकंड टर्म भी कर चुके हैं। तो आगे भी जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें हम फंक्शंस का यूज करते हैं। वो क्या होते हैं, हमें हमारे सेट ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं। जैसे आप कोई भी किसी चीज को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसका फंक्शन बना लेते हैं। जैसे हमें प्रोग्रामिंग में आते रहे हैं, प्रोग्राम देते रहे हैं कि फाइबोनाची सीरीज उसका बनाएं या फैक्टोरियल का बनाएं ठीक है। इस तरह के जब हम उसके निकालते थे, प्रोग्रामिंग करते हैं तो क्या करते हैं, हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। उसका मकसद क्या होता है कि जब भी हमें, अब ये तो हम अपनी सेंस से एज ए स्टूडेंट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, जब हम प्रोग्रामर जब अपना काम करता है तो कोडिंग इतनी लेंथी होती है, क्योंकि वो छोटी मोटी कोडिंग तो होती नहीं है, तो प्रोजेक्ट्स वो काफी बड़े होते हैं। उसमें अब काफी चीजें ऐसी होती हैं जो हमने बार बार यूज करनी होती है ठीक है। तो हम अब उससे बचने के लिए कि बार बार हमें कोडिंग लिखनी पड़े, तो हम क्या करते हैं कि जो काम हमने बार बार करना है उसका फंक्शन बना लेते हैं, वो मॉड्यूल डिफाइन कर लेते हैं। हमारी कोडिंग ऐसी होती है कि उसमें कोडिंग को एक यूनिट में हम जो है समेट देते हैं, तो उसको फंक्शन का नाम दे देते हैं ठीक है। ये हो गई हमारी प्रोग्रामिंग सेंस में फंक्शन। आज हम देखते हैं सेट थ्योरी के हिसाब से इसको। फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट एक्स टू ए सेट वाई इज ए रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई दैट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज। कहता है जी फंक्शन हमारे पास जो हो ना सेट थ्योरी के अंदर, वो तब फंक्शन होता है अगर ये दो प्रॉपर्टीज जो पूरी करे। पहली कौन सी है, फॉर एवरी एलिमेंट एक्स इन एक्स देयर इज एन एलिमेंट वाई इन वाई सच डेट एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ। के जितने भी एलिमेंट है ना दोनों के अंदर, मीन जो हमारी डोमेन और को डोमेन है जिसको हम एक्स और वाई यहाँ पे बोल रहे हैं, उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो फंक्शन से बिलोंग करने चाहिए ठीक है। ये होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इन अदर वर्ड्स एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एफ। यानी कि जो भी एलिमेंट एक्स के हैं वो लिंक करने चाहिए दूसरे एलिमेंट यानी कि हमारी कोडोमेन के साथ, तो वो उसको हम फिर हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। यानी कि सारे कनेक्शन बनने चाहिए जितने भी हमारी जो डोमेन होती है एक्स जिसको बोल रहे हैं, तो तब ही हम उसको फंक्शन कहेंगे। अब नेक्स्ट दूसरी जो प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या है जी, फॉर ऑल एलिमेंट्स एक्स इन एक्स एंड वाई एंड जी इन वाई इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स जी बिलोंग्स टू एफ देन वाई इज इक्वल टू जी। इससे सिंपल वर्ड में ना इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो डोमेन होगी हमारे सेट की ठीक है फंक्शन की, वो उसके दो इमेजेस नहीं होने चाहिए। मीन के कोई भी एक्स का ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी दो इमेजेस हो। दो इमेजेस से मुराद है कि कोई भी एक्स का ऐसा एलिमेंट ना हो जो वाई के एक ही एलिमेंट के साथ लिंक कर रहा हो। जैसे 1 2 3 4 है, आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल में एक्स के एलिमेंट, और एक्स वाई जी है वाई के एलिमेंट। अब 1 और 5 मैं कहता हूँ 4 या, तो वो दोनों रिलेट कर रहे हैं एक्स के साथ, तो ये दो इमेजेस क्रिएट हो रही हैं ठीक है। मीन एक 1 की एक 4 की, वो दोनों रिलेट कर रहे हैं एक एलिमेंट के साथ जो हमारी कोड में है, तो तब हम इसको फिर फंक्शन नहीं कहेंगे ठीक है। ये दोनों सूरतें हमारी पूरी होनी चाहिए
कि एक तो वो सारे एलिमेंट हमारे कनेक्शन बना रहे हो फंक्शन के, एक डोमेन के हमारे कोर डोमेन के साथ, और दूसरा इसमें कोई भी इमेज नहीं क्रिएट होनी चाहिए, डबल इमेज नहीं क्रिएट होनी चाहिए, जैसे वन टू वन की होती है ना उस तरह से होना चाहिए हमारा फंक्शन, ठीक है, उसको फिर हम फंक्शन कहेंगे। इन अदर वर्ड्स नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, वही जो मैं आपको टर्म समझा चुका हूँ, डिस्टिंक्ट होती है जो आप टर्म पढ़ चुके हैं कि रिपीटेशन को हम बोलते हैं, जैसे आपने ये एसक्यूएल में भी क्यूरीज में भी पढ़ना है इस टर्म को, आप ये कमांड यूज करते हैं रिमूव करने के लिए, ठीक है, रिपीटेशन को। अब यहाँ पे हम देखते हैं वी डिफाइन रिलेशन फ्रॉम, यहाँ पे आपको उसने दो रिलेशन दे दिए, एक एक्स और दूसरा वाई। अब इसके तीन एलिमेंट एक्स के और वाई जो आपकी कोडोमेन है उसके कितने एलिमेंट है, चार है, ठीक है। ये आपको पता है कि हम मल्टीप्लाई करके इसके एलिमेंट निकाल सकते हैं जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट आप पढ़ के आएंगे होंगे। तो अब इसने हमें ना रिलेशन खुद ही दिए, ये कार्टेशियन जब हम निकालते हैं उसमें से हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं। ये अब उसने बने बनाए रिलेशन दिए, ऊपर दो फंक्शन दे दिए उसको, एक एक्स और वाई, ठीक है, नीचे उसने हमें रिलेशन दे दिए आर वन आर टू आर थ्री। अब वो हमें इसमें पूछ रहा है कि ये मेरे पास जो तीन रिलेशन है मुझे ये बताओ कि इसमें फंक्शन कौन सा है, हमने अब वो क्या करना है इसमें, वो दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है, हमने क्या करना है, दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है, अगर तो वो दोनों पूरी होंगी तो फिर ही ये फंक्शन होगा। अब अगर हम आपको हाइलाइटर शो हो रहा है ये एरो, जी चलो ठीक है। अच्छा रिलेशन आर वन, अब ये देखें टू फोर फोर वन, अब ये देखें कि मैंने क्या कहा था फर्स्ट कंडीशन में कि जितने भी एलिमेंट हैं हमारे डोमेन के वो सारे कनेक्शन होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए हमारी कोड डोमेन के साथ। अब टू तो हो गया, फोर भी हो रहा है, लेकिन फाइव नहीं हो रहा। अब यहाँ पे फाइव अगर किसी के साथ हो रहा होता कनेक्ट तो हम इसको फंक्शन कहते, तो क्या हो गया आर वन आपका फंक्शन नहीं हुआ क्योंकि ये पहली प्रॉपर्टी पे पूरा नहीं उतरा। अब आर टू को देख लेते हैं, उसमें देखें जी टू भी है फोर भी है तो फाइव भी है, ठीक है जी, ये तो कंडीशन होगी पूरी। लेकिन दूसरी कंडीशन अब इस पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो दो मरतबा यूज हुआ है, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, मीन दो इमेजेस नहीं क्रिएट होनी चाहिए, जैसे अब फोर वन भी आ गया फोर टू भी आ गया, मीन जो एक्स का पहला एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट ना, यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है, दो बार नहीं आना चाहिए, तो फिर भी अब ये भी कंडीशन पे पूरा नहीं उतरा तो ये भी हमारा क्या हुआ, फंक्शन नहीं हुआ। अब आर थ्री को देखते हैं, इसमें टू भी है फोर भी है फाइव भी है, ठीक है, एक्स के सारे एलिमेंट है। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि डिस्टिंक्ट हो एलिमेंट हमारा, यानी कि हमारी वो डुप्लीसिटी ना हो इसके अंदर, तो देखें अब टू ठीक है पहला एलिमेंट, फोर ठीक है, फाइव ठीक है, आगे कोर डोमेन भी देखें वो भी डिफरेंट है, फोर है वन है सिक्स है, हमने कोर डोमेन भी देखनी है तो ये भी डिफरेंट है, मीन के सेम नहीं है, तो ये आर थ्री आपकी जो है वो पूरी प्रॉपर्टीज पे पूरा उतर रहा है दोनों, तो हम इसको क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। अब वही उसने आगे दिया होगा इसका सोल्यूशन आर वन टू फोर फोर वन, अब ये एक्स वही टू फोर फाइव, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आर वन डज नॉट सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन, वही आपको बता चुका हूँ, क्योंकि फाइव जो बिलोंग नहीं कर रहा है एक्स से, जो हमें उसने रिलेशन दिया उसमें नहीं मौजूद, तो हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे आर टू, ये भी बता चुका हूँ, ये क्यों नहीं है हमारा फंक्शन हुआ, क्योंकि ये पहली कंडीशन पे तो पूरा उतर गया लेकिन दूसरी कंडीशन इसमें पूरी नहीं हुई, क्योंकि इसमें जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है वो यूज हुए एक्स के फोर दो दफा यूज हुआ, तो हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। फिर आर थ्री मैंने कहा जी ये फंक्शन है, क्यों फंक्शन है, जब हमने दोनों कंडीशन इस पे अप्लाई की तो दोनों पे पूरा उतरा कि उसके सारे एलिमेंट भी मौजूद थे और बाकी वो डिस्टिंक्ट भी है, ठीक है, डुप्लीकेसी नहीं है उसमें, तो ये भी हमारा ये अब ये क्या हुआ, हमारा ये फंक्शन हुआ, अब बोथ कंडीशंस उसने सेटिस्फाई हुई तो क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन हो गया रिलेशन। अब इस टर्म में हम देखते हैं जी ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट एक्स टू ए सेट वाई इज ए रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप होता है फंक्शन, आप देखें कि सिंपल टर्म में है क्या चीज, जैसे आप कहते हैं ना आप मोबाइल खरीदते हैं, या कोई भी आप जनरल एग्जाम्पल लें तो मोबाइल खरीदते हैं या कोई भी चीज खरीदते हैं, आप कहते नहीं है कि इसके यार क्या फंक्शन है कि ये क्या करेगा, मीन उसका रिलेशन क्या है। जैसे हम प्रिंटर खरीदते हैं उसके क्या फंक्शन होते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में हम उसको जो अपना कंप्यूटर अटैच करते हैं सॉफ्ट फॉर्म और उसकी हार्ड फॉर्म आप निकाल लेते हैं, प्रिंट आउट कर देते हैं, अब उसका फंक्शन क्या है, प्रिंटिंग करना, प्रिंट कर रहा है वो आपका पेज, ठीक है, ये फंक्शंस होते हैं, मीन हम कोई इनपुट देते हैं आगे से वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, तो ये हमारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है।
अब ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, मीन दोनों इकट्ठी वैल्यूज नहीं दे सकते, जैसे मैंने आपको टर्म्स में बताया था, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्क्रीट पढ़ रहे हैं, डिस्क्रीट में 0-1 का ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही अहम है। ये दोनों फंक्शंस नहीं, जो दो हमारे पास होती हैं कंडीशंस, जो एट ए टाइम दोनों सेटिस्फाई नहीं हो सकती, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। फंक्शन भी कुछ ऐसे ही करता है, जैसे आपने घर का स्विच बटन देखा होगा, बटन ऑन करते हैं लाइट ऑन करने के लिए, तो अब देखें जब ऑन करना होता है तो आप नीचे वही प्रेस करते हैं, और जब ऑफ करना होता है ऊपर को प्रेस करते हैं, मीन 0-1, ठीक है। तो फंक्शन भी या एट ए टाइम आपको क्या करेगा, एक 1 देगा या आपको 0 देगा, या ऑन देगा या ऑफ देगा, ठीक है। दोनों नहीं इकट्ठे एक ही टाइम पे सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ये हमारा फंक्शन का काम होता है। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए सेट एक्स टू ए सेट वाई इज ए रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ एक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ वाई। के रिलेशनशिप है हमारा दोनों के दरमियान, सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई एंड इज डिनोटेड। ये आपको बता चुका हूँ सारा, और ये आपको पता होगा हम इसको क्या पढ़ते थे, इम्प्लीकेशन इफ देन के कॉन्सेप्ट में। अगर देखे तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे बिलोंग्स, एफ में क्या ये फंक्शन है, एक्स बिलोंग्स टू वाई। अब नीचे है जी, दिस सेट एक्स इज कॉल्ड द डोमेन, ये मैं बता चुका हूँ आपको, जो एक्स होगा आपका सेट पहला उसको हम डोमेन बोलेंगे, और ऑफ एफ एंड वाई इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब बाज दफा रेंज का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो रेंज जो है ना वो कोऑर्डिनेट का सबसेट होती है, ठीक है। कोऑर्डिनेट का अगर आप सबसेट निकालेंगे ना तो आपकी रेंज होगी। जैसे हम फॉर एग्जांपल आगे ये रिलेशन हमने देखे थे, जैसे आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, बाज दफा आपने बेसिक मैथ में भी पढ़ा होगा, तो हम डोमेन रेंज निकालते रहे हैं उसमें, तो आपने देखा होगा एक्स हमारा डोमेन होता था और वाई हमारी रेंज होती थी जब हम उसमें एलिमेंट निकालते होते थे। तो जो रियल टर्म है ना रेंज की, वो कोऑर्डिनेट की का सबसेट होती है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, The unique element y of y that is related to x by f is denoted f into x and is called the value of f at x. Mean के हम function को ऐसे denote करते हैं, कोई भी आप function बना रहे हैं किसी भी domain का, तो उसको ऐसे define करेंगे। जैसे हम programming में भी, या आपने function math पढ़ते आए हैं, जब आप जिन्होंने पढ़ा भी होगा math को matrix में, या उसके बाद भी अगर किसी ने पढ़ा हो BSc में या inter में, तो functions आपको दिए होते हैं उसमें वाजे होता है, इस तरह हम उसको denote करते हैं, ठीक है। आगे एरो डायग्राम ऑफ ए फंक्शन। अब ये एरो डायग्राम क्या चीज है वो देखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ ए फंक्शन इंप्लाइज, वही इंप्लाइज ये देखें वर्ड यूज हुआ क्योंकि एरो आपने देखा था, दैट द एरो डायग्राम ऑफ ए फंक्शन एफ हैज द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज एन एरो कमिंग आउट ऑफ इट। एक तो वही जो पहली प्रॉपर्टीज की होनी चाहिए कि एक्स के जितने भी एलिमेंट है उसके एरो कमिंग आउट होने चाहिए y तक, ठीक है। और दूसरी क्या, नो टू एलिमेंट्स ऑफ x हैव टू एरोस कमिंग आउट, वही जो सेंस जो मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई भी ऐसे x के दो एलिमेंट नहीं होने चाहिए जो एक एरो एक ही जगह पे लेके जा रहे हो, ठीक है। जैसे हम इस एग्जांपल को देखते हैं, अब ये देखें पहली प्रॉपर्टी तो पूरी होगी कि सारे जो एलिमेंट है वो कनेक्टेड है, एरो कमिंग आउट हो रहे हैं y की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम दूसरी प्रॉपर्टी देखें तो ये देखो, अब टू पे ए भी कनेक्शन बना रहा है, कनेक्ट कर रहा है, रिलेट कर रहा है, और सी भी रिलेट कर रहा है, तो ये क्या हमारा फंक्शन होगा जी, बताएं। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर जी, बताएं ये फंक्शन है? यस सर। कैसे? क्योंकि सर हमने x की जो वैल्यू होती है उसमें से तो एक एक एलिमेंट को निकालना है ना, तो वो y के किसी दो के साथ रिलेशन बना सकता है? नहीं, ये नहीं, दूसरी कंडीशन तो आपने देखी नहीं, पहली नहीं। आपने देख ली, ठीक है। अब ये देखो, ये जो वन टू वन और ऑन टू, वो आगे आएंगे फंक्शंस, हम अभी फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, वो जो वन, अच्छा ठीक हो गया, ठीक है, वो बाद में देखते हैं, इसमें नहीं बना रहा, इसमें नहीं, आपने अभी फंक्शन को देखना है। मैं दो प्रॉपर्टीज आपको बता चुका हूँ, कंडीशंस एक तो आपने देख ली, उस हिसाब से तो आपने फंक्शन कह दिया, लेकिन दूसरी देखो, मैंने कहा था कि कोई भी दो एलिमेंट जो एक्स के हैं या मल्टीपल एलिमेंट जितने भी एक्स के हैं वो एक के साथ रिलेट नहीं होने चाहिए वाई के, मीन उसकी एक इमेज नहीं होना चाहिए दोनों का। अब इधर एक ही इमेज है दोनों का, ए टू के साथ और सी भी टू के साथ, तो ये फंक्शन नहीं आप इसको कहेंगे, ठीक है। ये दोनों कंडीशन एयर में रखनी है, दोनों पूरी होंगी तो फिर फंक्शन होगा। अब ये देखते हैं नेक्स्ट,
x इज इक्वल टू 245 एंड y इज इक्वल टू 1246, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये क्या इसको फंक्शन कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि पहली कंडीशन ही नहीं पूरी हो रही। जी जी कंफ्यूजन आई है, या आप अपना पॉइंट दोबारा रिपीट करें। वो बिल्कुल ठीक ऐसे ही है कि हम x का देखेंगे कि x का रिपीट ना हो, जबकि y का रिपीट हो रहा है, x का तो नहीं रिपीट हो रहा। x का तो नहीं रिपीट हो रहा, ये आप क्लियर कीजिएगा वो तो y का एलिमेंट है ना, हम यही वही इमेज। फिर आप कंडीशन में देखिएगा, कंडीशन हमें यही कहती है कि इमेज जो है वो एक नहीं होना चाहिए, जो एलिमेंट x के बिलोंग्स कर रहे हैं y के साथ उसका इमेज एक नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन आप दोबारा देखिएगा, फिर अगर नहीं अगर कंफ्यूजन होगी ना, मैं बाद में आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आगे देखें, मूव करें, ये आप देखिएगा, जरा इसको क्लियर कीजिएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना उसको क्लियर कीजिएगा। मैं बता रहा हूँ पहली कंडीशन, एक तो एलिमेंट पूरे कनेक्टेड होने चाहिए, और दूसरी कि जितने एलिमेंट मल्टीपल जो एलिमेंट है ना एक्स के, दूसरी कंडीशन ये हमें डिफाइन करती है कि उसका एक इमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपने देखना है बाद में। अब ये देखें, इधर ये कनेक्शन मीन किसी सभी का नहीं बन रहा, ठीक है, तो हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। इधर देखें ठीक है, ये जो आपकी सेंस है अभी आपने जो कहा, ठीक है, कि फोर, अब इसका जो है एक ही इमेज है, वन और टू, ठीक है, एक ही इमेज है। फोर एक एलिमेंट ऐसा निकला जिसका एक ही इमेज मीन मल्टीपल के साथ वो कनेक्शन बना रहा है जो आपने अभी बोला है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है जी। यानी कि हमें इमेज के साथ ही देखना कि प्री मल्टीपल ना हो। हाँ हाँ ठीक है, आपकी सेंस जो आपने बोला था ठीक है, लेकिन उसको भी आप देखिएगा, चेक कीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ ना उसको भी आप चेक कीजिएगा कि अगर वो कंडीशन होती है तो तब फंक्शन होता है या नहीं। जो आपकी कंडीशन अभी आपने बोली है तब भी फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, लेट एफ एक्स बिलोंग टू वाई, द रेंज ऑफ एफ कंसिस्ट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ वाई दैट आर इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स, वही के जितनी भी हमारी रेंज होती है कंसिस्ट करती है दोज एलिमेंट वाई डेट आर इमेजेस ऑफ एलिमेंट एफ एक्स, के जो एक्स की इमेजेस होंगी, ठीक है। सिंबॉलिकली हम इसको डिफाइन करते हैं, ये आपने सेट पढ़े हैं उसमें आपको पता होगा कैसे हम करना होता है, जो बिलोंग कर रहे होते हैं या फंक्शन कैसे डिफाइन करना है, वाई बिलोंग्स टू वाई, ये इसको हम सच एज बोलते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है, ये रिलेशन सिंबॉलिकली होते हैं। अब यहाँ पे एक एरर रिमार्क, द रेंज ऑफ ए फंक्शन एफ इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ द को डोमेन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। द रेंज ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू वाई इज आल्सो कॉल्ड द इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, कि अगर बिलोंग कर रहा हो वाई के साथ तो हम उसको इमेज भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्स की। इफ व्हेन वाई इज इक्वल टू एफ इनटू एक्स देन एक्स इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ वाई, ठीक है। प्री इमेज बोलते हैं हम जो हमारा एक्स हो, ठीक है, इसको हम प्री इमेज आप कह सकते हैं, वाई को आप इमेज कह सकते हैं और एक्स जो डोमेन है ना उसको आप प्री इमेज बोल सकते हैं। The set of all element of x that are related to some y belongs to y is called the inverse image of y. कि जो भी set के elements हैं ना x के that are related to some y belongs to y is called the inverse image of y. तो उसको फिर हम inverse बोलेंगे image y की। अब ये देखें, determine the range of the functions f g h from x is equal to 245 to y is equal to 1246 define as. अब ये देखें, इसमें उसने x दिया है हमें 245 और बाकी y दिया है 1246। अब मुझे ये बताएं क्या ये फंक्शन है? पहली कंडीशन तो ठीक है, पूरी हो रही है, दूसरी देख के बताएं। नो, दूसरी कंडीशन देख के बताएं। अगर आप उस सेंस में देखें कि अगर इमेज हमारा मल्टीपल के साथ नहीं था बन रहा तो हमें हमारा वो फंक्शन नहीं था, अगर इस कंडीशन को हम देखें तो ये फंक्शन है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं है, वो आगे जब टाइप्स आएंगे उसमें देखेंगे कि वाई के किसके साथ होने कनेक्शन होने जरूरी है, सभी के साथ किसके साथ नहीं होने जरूरी है, तो वो कौन सी टाइप होती है। अगर इसको आप देखेंगे तो आप देखें इमेज यहाँ पे अगर देखें, अगर वो जो मैंने आपको सेंस बताई है तो यहाँ पे 2 6 के साथ कनेक्ट हो रहा है और 5 भी 6 के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो अगर ये सेंस आपको कंडीशन पूरा उतरती है तो फिर ये आपका फंक्शन नहीं होगा। अब ये देखें यहाँ पे ये क्या कह रहा है, रेंज निकाली है, कंडीशन वो एग्जांपल वही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट आपको वैसे पता ही होगा, ये देखें 1 और 6 ये उसने रेंज निकाली है आपकी,
ठीक है, जितने भी वाई के एलिमेंट आपके एरो कनेक्टेड हो ना जो आपके फंक्शन के साथ, वो हमारी रेंज होती है 1 और 6. अब यहाँ पे देखें किस किस के साथ कनेक्शन बना रहा है एक्स, 1 और 6 ये आपकी रेंज है. अगर आपको ऐसे सेट दिया हो जैसे हम बेसिक मैथ में भी पढ़ते रहे, उसमें रेंज और डोमेन निकालनी हो, आप कैसे निकालते थे, 2, 4, 5 ये डोमेन आ जाएगी, रेंज क्या निकलेगी, 6, 2, 1 जो वाई एलिमेंट, जो सेकेंड एलिमेंट आप, वो आपकी रेंज होती है. ठीक है, ये एग्जांपल दी है, वी हैव द फंक्शन, ठीक है, y is equal to x square from the set of real number to a set of real number, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि रियल नंबर उसने उसमें पुट की है इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, और y निकाला हुआ और उसका ग्राफ बनाया. ये वैसे ना अगर मैंने इसको स्टडी किया था आपके पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिलेशन के हिसाब से तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन देता है, लेकिन फंक्शन मैंने देखा था कि फंक्शन के रिलेटेड वैसे आज तक उसने कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं पूछा, लेकिन शॉर्ट टर्म्स में वो आपको डेफिनेशंस जैसे मोनोटोनिक फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, ऐसे मैंने, क्योंकि चैप्टर आई थिंक मैं आपको दे चुका हूँ सॉल्यूशन जो है, तो आप देखेंगे ना तो आपको वो उससे पता चल जाएगा कि फंक्शन से रिलेटेड वो क्या पूछता है, लेकिन टर्म्स का आपको पता होना जरूरी है. ये नहीं है कि अब शॉर्ट आते हैं तो हम इसको वही रटा लगा लें उनको और टर्म्स हम समझें ना, क्योंकि आगे ये इन चीज़ों का आपका बड़ा फायदा होता है जब आगे आप टर्म्स समझते हैं, आपने बेसिक समझी होती है तो फिर आगे आपको समझ आती है. अब ये जो ग्राफ बनाया ना उसने, ये अगर आप समझ लें इसको, ये उसने ये जैसे इकोनॉमिक्स अगर बच्चों ने पढ़ी होगी तो, या वैल्यूज वैसे मैथ में भी होता है जो ग्राफ हम पढ़ते रहे, इसमें वैल्यू ड्रा करते हैं, तो ये आपके लिए इतना अहम नहीं है, अगर आप ना भी करें तो कोई बात नहीं, ठीक है. ये यहाँ पे उसने शो किया है कि अगर तो हमारा ग्राफ, जो हमारा ग्राफ फंक्शन है, ठीक है, जो वैल्यू है, जब हम वर्टिकल लाइन उसमें ड्रा करें ना, तो अगर वो एक ही पॉइंट पर टच करे, ठीक है, तो वो हमारा फंक्शन होता है, ठीक है. अगर मल्टीपल हम लाइन ड्रा करें तो मल्टीपल जो पॉइंट पे टच करें ना ग्राफ को, तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा. ये टर्म बात समझ लें, ये भी आगे वही, ये यहाँ पे ये टर्म्स देख लें कि वर्टिकल उसने ड्रा की थी, ये वैल्यूज थी, अब वैल्यूज चेंज थी फंक्शन की. अब यहाँ पे इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि जो हमारा ग्राफ है वो दो जगह पे, दो पॉइंट पे जो है वो उसको कनेक्ट कर रहा है, वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होता. अब ये कह रहा है जी, फाइंड ऑल फंक्शन फ्रॉम एक्स ए बी टू वाई यू वी. अब यहाँ पे सॉल्यूशन उसने दिया है, ए बी दो इसके एलिमेंट है और वाई के यू वी दो एलिमेंट है. अगर हम पहली कंडीशन देखें वो तो पूरी है, ठीक है. अगर उस सेंस में देखें कि अगर इमेज आपके मल्टीपल होंगे तो फिर इस सेंस में आप इसको फंक्शन नहीं कहेंगे, ठीक है. अब नेक्स्ट देखें तो ये भी ऐसे ही है, ए वी के साथ बना रहा है और बी बी वी के साथ बना रहा है. अब ये नीचे वाला जो थर्ड है ये आपका फंक्शन, इसको आप फंक्शन कह सकते हैं, ए यू के साथ और बी वी के साथ, इसको 1-to-1 भी कह सकते हैं, ठीक है. 1-to-1 भी यही होता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं ना आपके, वो कनेक्टेड होते हैं 1 by 1 हर एलिमेंट के साथ, ठीक है. अब ये भी आपका फंक्शन है, इसको आप 1-to-1 भी कह सकते हैं. आगे कह रहा है, फाइंड 4 binary relation फ्रॉम एक्स ए बी वाई यू वी दैट आर नॉट फंक्शन. जो फंक्शन नहीं है वो फाइंड करना है. अब ये देखिए, पहली कंडीशन वही, वो भी पूरी नहीं हो रही, ये भी फंक्शन नहीं है, दूसरी भी पूरी नहीं हो रही, ये भी फंक्शन नहीं है, तीसरी भी पूरी नहीं हो रही, इसमें भी पूरी नहीं हो रही, मीन तीसरी में भी आपकी दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ठीक है, पहली तो हो रही है, तो ये भी फंक्शन नहीं है. आगे कह रहा है, हाउ मेनी फंक्शन आर देयर फ्रॉम ए सेट विद 3 elements टू ए सेट विद 4 elements. अब यहाँ पे उसने दो आपको फंक्शन दिए, रिलेशन सेट एक्स, एक एक्स दिया है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इसके 3 elements और वाई के 4 elements है. अब यहाँ पे आप देखें तो एक्स वन में भी रिलेटेड टू 4 elements ऑफ एक्स, ठीक है. एक्स वन हैज 4 possibilities, ठीक है. एक्स टू हैज 4 possibilities, एक्स थ्री हैज 4 possibilities. जी एलिमेंट्स ऑफ एक्स के एलिमेंट्स ऑफ वाई, एलिमेंट ऑफ एक्स, ये पॉसिबिलिटीज जो 4 कह रहा है वो इसलिए कह रहा है क्योंकि जब हम कार्टेशियन निकालेंगे तो 4 possibilities ही निकलेंगी ना. एक्स वन की अगर करें तो वाई वन के साथ भी होगी, 2 के साथ भी होगी, 3 के साथ भी होगी, 4 के साथ भी होगी. तो उस तरह आप जितने एलिमेंट होते हैं उसका मल्टीप्लाई निकालें तो उतने एलिमेंट ही आपके कार्टेशियन में निकलते हैं. ये फार्मूला होता है, ये आप करते रहे. कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने निकाला होगा रिलेशन जब पढ़ा होगा पीछे, ठीक है. लेकिन एलिमेंट्स तो वाई के होने चाहिए ना, वो एक्स के क्यों? एलिमेंट एक्स के होने चाहिए वाई के, फंक्शन तो एक्स
x के साथ बनना है ना, फंक्शन तो x के साथ बनना है. फंक्शन तो x के साथ ही बनेगा, तो जो रिलेशन है वो x से y की तरफ जाएगा ना, x से एलिमेंट, x डोमेन होगा और y रेंज होगी. वही रिलेशन बनेगा तो फंक्शन होगा ना, वैसे तो नहीं ना बन सकता. ये आपकी डोमेन है ठीक है, और ये कोडोमेन है y. जब ये आप कार्टेशियन इसका निकालेंगे तो फिर आपको वही सारी ये प्रॉपर्टीज आपके सामने आ जाएंगी, वैल्यूज वो उसने डिफाइन की हुई है नीचे. रिलेशन तो वही बनेगा, ये आपकी डोमेन है ठीक है एक्स, और ये कोडोमेन है, इनका रिलेशन आपने कार्टेशियन निकाल दिया. अब ये है फाइनाइट एग्जाम्पल, तो हमने देख ली कुछ होती है इनफाइनाइट टर्म्स में ठीक है, उसको हमने कैसे डिटरमाइन करना होता कि हमारा फंक्शन है या नहीं है, इसको हम देखते हैं. जैसे ये पहली एग्जांपल दी है, फिर दूसरी है, और ये तीसरी अंडर रूट वाली है, और इसमें दी हुई है. ये आपने कैसे निकालनी होती है कि आपकी इमेज, अब ये तो जो पहली टर्म उस एग्जांपल है ये तो वैसे ही वाजे है कि इमेज वो मल्टीपल हो ही नहीं सकती. प्लस माइनस मीन, अगर प्लस है तो प्लस ही होगी, जैसे प्लस टू है तो माइनस टू नहीं उसके साथ हो सकती ठीक है. ये टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर करती है कि अगर हमारा रिलेशन बन रहा है ठीक है फंक्शंस का, तो वहां पे प्लस टू के साथ अगर बन रहा है तो माइनस टू के साथ नहीं बनेगा ठीक है. टू इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस नहीं क्रिएट होंगे, तो फिर इसको हम जो है वो फंक्शन नहीं कहेंगे ठीक है. आगे जो है आपकी ये वैल्यू, यहाँ पे अगर आप देखें कोई वैल्यू पुट करके देख लें, अगर आपका फंक्शन जो भी उसने दिया है तो आपने उस हिसाब से फिर उसका देख लेना है जो भी रिजल्ट होगा, क्या वो पूरी कंडीशन पे सेटिस्फाई हो रहा है. एक तो क्योंकि आपने वो अपना फंक्शन निकाल लेना, तो आपने यही देख लेना है इमेज के सेंस में, आपने देख लेना है क्योंकि एलिमेंट के सेंस में तो आप नहीं देखेंगे, इमेज के सेंस में देख लें कि मल्टीपल इमेज क्रिएट हो रही है या नहीं. यही प्लस माइनस की जो सेंस है इन टर्म में, यही उसमें डिफाइन किया. बाकी यही है कॉन्सेप्ट, आप यहां तक की रखें इसके. Binary operation ठीक है, define on a set A assigned to each order pair A B ठीक है. ये तो product आपको पता है कि इसके लिए हम use करते हैं, ये steric का जो cartesian निकालने के लिए. आगे उसने दिए एक plus दिया और dot दिया, are binary operations on the set of natural numbers है ठीक है. कहता है ये natural number पे जो हम binary operation apply करते हैं, ये करते हैं एक plus और एक dot का, और नीचे ये जो दिया है is not ये बाइनरी नेगेशन जैसे हम यूज करते हैं बाइनरी ऑपरेशन वो कह सकते हैं, और नीचे भी सेम इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी द सेट ऑफ इंटीजर्स. ये ठीक है, यहां तक की कांसेप्ट रखे हैं फंक्शंस में. स्क्रीन अभी नहीं शेयर होगी आई थिंक आपको, शेयर्ड है जी? शेयर्ड है, सेकंड आ गई ना स्लाइड? नो सर, नहीं शेयर, एक मिनट. आवाज आ रही है आपको? यस सर. ये वही अब नहीं हो, अब हो नहीं रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. अलाउ करें या होस्ट बना दें फिर? अब होस्ट ही बना दें. बना दिए. चलें ठीक. जी अब देखें शेयर्ड. जी शेयर्ड होगी. चलें ठीक है. ये टर्म्स आपकी ना इम्पोर्टेंट है, समझने वाली टर्म्स जो हैं वो अब आई हैं आपकी, जो आप जिसका आप जिसके बारे में कह रहे थे. अब ये अजान हो रही है, वेट.
जी आवाज आ रही है आपको? चलें इसको जल्दी से करते हैं क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली होगी, फिर बाद में नहीं तो दोबारा कर लेंगे जो। चलें इसको लेके चलते हैं। अच्छा जी, आपके सामने एक टर्म है इंजेक्टिव फंक्शन और वन टू वन फंक्शन भी, ठीक है? ये दोनों नाम इसके ही है, ठीक है? इंजेक्टिव बोल लें या वन टू वन बोल लें, इसको डिफाइन कैसे करते हैं जी हम? लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू वाई बी ए फंक्शन, एफ इज इंजेक्टिव और वन टू वन इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, वो बाय इंप्लीकेशन याद है ना? फॉर ऑल ऑफ एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स, इफ एक्स वन नॉट बिलोंग टू नॉट इक्वल टू एक्स टू देन एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है? आसान टर्म में, अगर इजी टर्म में आप देखें तो वन टू वन फंक्शन क्या होता है, जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं ना मीन के डोमेन जो आपकी है वो कोर डोमेन के साथ रिलेशन बना रही होती है इस तरह के, जितने भी एलिमेंट डोमेन के हैं वो कनेक्टेड होते हैं वन बाय वन कोर डोमेन के साथ, उसका वन टू वन बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, डेट इज एफ इज वन टू वन इफ इट टेक्स डिस्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ द डोमेन टू डिस्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ द कोर डोमेन, डिस्ट्रिक्ट मीन के वही डुप्लीकेट नहीं होंगे उसमें। जैसे ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है एक्स वन एफ एक्स वन एक्स टू एफ एक्स टू, ठीक है? ये आपकी डोमेन और ये आपकी कोडोमेन, इसको आप क्या कह सकते हैं? इंजेक्टिव और वन टू वन फंक्शन। अब ये आपके सामने ये फंक्शन एफ है, ये हम डिफाइन कर चुके हैं एक्स बिलोंग्स टू वाई इज नॉट वन टू वन, यहाँ पे उसने कहा है कि नहीं है, ठीक है? नॉट वन टू वन फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एलिमेंट एक्स वन एंड एक्स टू इन सच एक्स डेट एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू बट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, that is if distinct elements x1 and x2 can be found in domain of f that have the same function value. ye dekh lete hain, ye dekhen, ab ye keh raha hai ki ji agar hamari sari jitne bhi hamare domain ke elements hain wo connection bana rahe ho codomain ke sath, to ek to usne hame ye term batayi thi ki 1 by 1 hone chahiye connection, theek hai? aur dusri ye hai ki सारे जितने भी हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। अब ए टू के साथ हो रहा है, ठीक है? बी भी वन के साथ हो रहा है, ठीक है? सी फोर के साथ हो रहा है, ठीक है? इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन इसको अगर हम देखें, ये देखें यहाँ पे इमेज जो है ये वन टू मैनी हो रही है, मैनी टू वन है, सॉरी, ये मैनी टू वन आप इसको कह सकते हैं वन टू वन, क्योंकि जो ए और सी है आपके फंक्शन का वो बिलोंग कर रहा है एक ही एलिमेंट के साथ जो आपकी कोड में है, इसको हम बोलते हैं मैनी टू वन। सर जी जी ये कवा उड़ा दे, बड़ा शोर आ रहा है इसका, कवा दूर है, थैंक यू, दूर है इसका, इतना शोर आ रहा है। ओके जी, ये ठीक है, ये उसने इमेजेस शो की हुई हैं, इमेज आवाज आ रही है ना? इमेज ऑफ ए मीन के ए का कनेक्शन किसके साथ है? टू के साथ, उसकी इमेज क्या है? टू। इमेज ऑफ बी का क्या है? वन, और सी की क्या है? फोर, ठीक है? एफ इज वन टू वन फंक्शन, वही कि हम इसको वन टू वन बोल सकते हैं। इसमें ये नहीं देखना, हमने ये चीज अभी नहीं देखनी वन टू वन में कि वाई के सारे ही कनेक्ट होने चाहिए। हमारी जो कंडीशन है ना वन टू वन में वो ये होती है कि हमारी डोमेन के सारे एलिमेंट जो है वो कनेक्टेड होने चाहिए जो हमारी कोर डोमेन के साथ वन बाय वन, ठीक है? तो तब हम उसको वन टू वन कहते हैं, लेकिन इमेज एक होनी चाहिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर वन टू वन। अब ये नहीं है जो मैं आपको पहले कंडीशन वो बता चुका हूँ एग्जाम्पल में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली कंडीशन तो हो रही थी पूरी वन टू वन की, लेकिन यहाँ पे देखें कि ये मैनी टू वन हो रहा है हमारा, वन टू वन नहीं कि इमेज मल्टीपल हो रही है, ठीक है? कि एक ही दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इमेज एक है कोड डोमेन में, तो ये हमारा वन टू वन नहीं कहलाएगा, इसको हम मैनी टू वन कह सकते हैं। फिर आ गया तो फाइंड ऑल वन टू वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ए बी और टू वाई इज इक्वल टू यू वी, ठीक है? अब ये देखें यहाँ पे, ये देखें तो इसको हम क्या कह सकते हैं? वन टू वन फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है? और दूसरे इसको भी हम वन टू वन कह सकते हैं, ठीक है? वही इमेजेस चेंज की हैं, बाकी तो ठीक है, इसको वन टू वन बोल सकते हैं।
आगे जी, हाउ मेनी वन टू वन फंक्शन आर देयर फ्रॉम ए सेट विद थ्री एलिमेंट टू ए सेट विद फोर एलिमेंट्स। वही कि उसने पूछा है इस टर्म में कि कितने एलिमेंट होंगे, कि अगर हमारे पास एक्स के थ्री होते हैं डोमेन के और कोडोमेन के फोर होते हैं, तो इसका फार्मूला वही आप कार्टेशियन जैसे निकालते हैं तो वो डिफाइन करके आप बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, रोज और कॉलम जो मल्टीप्लाई करके आप, तो ये सारे आपके पास 24 एलिमेंट निकल आएंगे। आगे भी एग्जांपल में ये ठीक है, क्या कहा इसने, हाउ मेनी वन टू वन फंक्शन आर देयर फ्रॉम अ सेट विद थ्री एलिमेंट्स टू अ सेट, यहाँ पे भी यही पूछा है उसने, आपने ये जस्ट उसकी काउंट करके बताना है उसको। ग्राफ ऑफ वन टू वन फंक्शन, ए ग्राफ ऑफ वन टू वन फंक्शन एफ इज वन टू वन इफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ इन एटमोस्ट वन पॉइंट। ये फंक्शन की टर्म में ही है, जैसे हम फंक्शन कहते हैं ना, फंक्शन वन टू वन जैसे उसको आप उस टर्म में बोल सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होनी चाहिए, जैसे फंक्शन में देखा था, तो वन टू वन में भी ऐसे ही होता है। अगर दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो जाए तो वो आपका वन टू वन नहीं कहलाता, ठीक है, फिर वो वन टू वन नहीं रहता, ना ही वो फंक्शन रहता है ना ही वो वन टू वन रहता है। सब्जेक्टिव आ गया जी, दूसरी टर्म देखते हैं। इंजेक्टिव हमने देख ली, ऑन टू फंक्शन क्या है हमारा, इसको देखना हमें। लेट एफ एक्स बिलोंग्स टू वाई बी ए फंक्शन, एफ इज ए सब्जेक्टिव और ऑन टू फंक्शन इफ एंड ओनली इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ वाई बिलोंग्स टू वाई एंड देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एफ इनटू एक्स इज इक्वल टू वाई। इन अदर वर्ड्स, सिंपल टर्म में अगर देखें कि क्या है ऑन टू फंक्शन, एवरी एलिमेंट्स ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स। इसमें अब कंडीशन है वो जो मैं पहले आपको बता रहा था कि उसमें जरूरी नहीं है वाई के सारे एलिमेंट कनेक्टेड हो, लेकिन ऑन टू में अब ये कंडीशन लाजमी है कि वाई के तमाम एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए एक्स में, ठीक है, तब वो ऑन टू होगा। ये आगे देखते हैं हम कि ये जो एलिमेंट उसने तीन डॉट यहाँ पे शो करवाए हमें, अब ये देखें इसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए एक्स के साथ, तब हम उसको क्या कहेंगे, हमारा वो ऑन टू डोमेन फंक्शन। जैसे ये डोमेन, डोमेन के चार उसने डॉट शो करवाए एलिमेंट, यहाँ पे तीन है, ठीक है। अब इसमें इमेजेस भी मल्टीपल हो सकती हैं, ठीक है, इसमें ये इमेज वाली भी कंडीशन मल्टीपल हो सकती है। जैसे ये देखें यहाँ पे मैनी टू वन वाली कंडीशन जो अप्लाई हो रही है कि एक ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लास्ट वाले पॉइंट के साथ इमेज बना रहा है, एक इमेज यानी कि कोर डोमेन के साथ, ये ऑन टू में एक तो ये चीज, लेकिन जो जरूरी चीज है ऑन टू फंक्शन में आपकी, वो ये है कि आपके सारे जितने भी एलिमेंट है ना आपकी कोर डोमेन के, उसकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए एक्स में, इमेज का मतलब कनेक्शन होना चाहिए एक्स के साथ। अब ये देखें, अब ये देखें यहाँ पे देखें, ये चार पॉइंट है कोर डोमेन के और डोमेन के तीन है, ठीक है। अब ये देखें डोमेन को तो कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जब हमने वाई के देखा, वन टू वन फंक्शन तो हो गया ये, लेकिन ऑन टू हमने जब देखा तो वाई का एक डॉट ऐसा था जो जिसकी इमेज कोई नहीं है एक्स में, तो क्या ये ऑन टू होगा जी, बताएं। नो सर, ये ऑन टू नहीं, ये ऑन टू नहीं होगा। नो सर, ये ऑन टू फंक्शन जी, ठीक हो गया। विच ऑफ द एरो डायग्राम डिफाइन ऑन टू फंक्शन, अब ये देख लें, अब ये भी आपको ऑन टू नहीं होगा, क्यों, क्योंकि थ्री की कोई इमेज नहीं है, ठीक है। अब इसको देख लें, ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पे देख लें थ्री टू वन, ठीक है, ये ऑन टू है आपका, क्यों, क्योंकि इसकी सारी इमेजेस हैं एक्स के अंदर, ठीक है जी। ये वैसे ही उसने टर्म्स समझाई नहीं आपको, वही इमेज वाली, ठीक है, ये वैसे कोई जरूरी नहीं है, आपको जस्ट वो इसका सेंस समझ होनी चाहिए। ये क्या कह रहे, डिफाइन आर टू आर बाय द रूल, ठीक है, वही ये रूल उसने कोई एग्जांपल दी है आपको, यहाँ पे फंक्शन दी है 4x minus 1 for all x belongs to R is f on 2 mean, अगर हमें वो देता है कि हमें वो फंक्शन दे देता है, जैसे हम उस एग्जांपल से कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे एलिमेंट्स दिए होते हैं उससे तो हम निकाल लेते हैं, ग्राफ से भी हम निकाल लेते हैं, वो तो इजी हो गया, लेकिन अगर फंक्शन दिया हो वो कैसे हम निकालें। ये उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है कि फंक्शन दे दिया है, वो कह रहा है कि ये ऑन टू है या नहीं, ठीक है, ये देखें, प्रूव और गिव ए काउंटर एग्जांपल। अब लेट वाई बिलोंग्स टू आर, वी सर्च फॉर एन एक्स बिलोंग्स टू आर, वैसे ऐसे क्वेश्चन आई थिंक एमआईटी शायद ना आए हो, लेकिन बीएस के मैंने देखे हैं, उसमें शॉर्ट में उसमें देखा था, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट समझे हुए कि वैसे तो निकालना ईजी है, लेकिन ऐसे हम कैसे निकालेंगे। फंक्शन में हमने क्या करना है, हमने अपनी जो कोड मेन है ना उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, अगर उसने फंक्शन दिया हो ना उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। वैल्यू जैसे आप फंक्शन पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, कि कैसे निकालते हैं वैल्यू, एक्स को एक साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, सारा वाई और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे,
अब x की निकाल लें, वही y की भी साइड पे फंक्शन जो दिया है वो निकाल लें और x की भी निकाल लें। x की जो आपके पास इक्वेशन आ गई वो ये आ गई, x इज इक्वल टू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। ये तो आपको करना आता है, कर ही लेंगे आप, ठीक है। अब बाद में हमने क्या किया, x इज इक्वल टू y प्लस 1 इज इक्वल टू 4 बिलोंग्स टू r सच दैट। अब यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया, जस्ट क्या किया जी, ये देखें 4 इंटू x माइनस 1, ये x माइनस 1 मीन ये तो अपनी जगह पे ही आ गया, लेकिन ये x x x वैल्यू जो x है ये आपका x है पूरा जो आपने वैल्यू निकाली है y प्लस 1 ओवर 4, ठीक है। लेकिन साथ ये जो आपको फंक्शन दिया था 4 और माइनस 1 ये साथ आ गया, फंक्शन वही जैसे आप करते आए हैं बचपन से, ठीक है। वैल्यू कैसे पुट करनी है, x की वैल्यू पुट की और ये फंक्शन आ गया। बाद में हमने इसको सॉल्व किया, 4 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा y प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। और फिर बाद में माइनस 1 प्लस 1 ये आप करते आ रहे हैं बचपन से ही, कि जब हमारे पास होते हैं दो डिफरेंट साइन के एलिमेंट वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचा वाई। अब जब वाई के इक्वल वाई आ जाए ना, तो तब वो आपका फंक्शन जब आप निकालें तो वो ऑन टू निकलेगा, ठीक है जी। समझ आई ऐसे निकालने की फंक्शन में कैसे ऑन टू फाइंड करना, कोड में ना डोमेन के। यस सर आ गई है, चलो ठीक है, ये भी आप कर लेंगे। ये वही है उसी तरह एग्जांपल, अब आप खुद कीजिएगा इसको। टर्म सेंस तो आपको समझ आ गई है। बाइजेक्टिव देखते हैं, बाइजेक्टिव क्या है। बाइजेक्टिव जैसे बाई इम्प्लीकेशन, ऐसे हम बाई लफ्ज होता है दो के लिए जो यूज होता है, पढ़ते आ रहे हैं बाइनरी जैसे, तो बाई जिसके साथ भी लगता है। बाई का मतलब यहाँ पे अब ना बाई से मीन मुराद ये है कि ऑन टू और वन टू ये दोनों का कम्बिनेशन है, यानी कि इसमें दोनों प्रॉपर्टी शामिल हो जाएंगी। जब दोनों एक ही जगह पे ये प्रॉपर्टी शामिल हो जाए ना, तो उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन का नाम देते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स बिलोंग टू वाई डेट इज बोथ वन टू वन इंजेक्टिव, ठीक है, इंजेक्टिव भी हो एंड ऑन टू सब्जेक्टिव इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज हो तो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। ये देखें कि ये सारे देखें उसके कनेक्टेड रिलेशन भी बना रहे हैं, ठीक है। जो कंडीशन हमारी वन टू वन की थी वो भी पूरी हो रही है, और ये देखें ऑन टू की भी हो रही है कि सारे इमेजेस हैं वाई जो हमारी को डोमेन है डोमेन में एक्स में, ठीक है। तो ये हमारा बाइजेक्टिव होता है, शॉर्ट में ऐसे पूछ लेता होता है वो ज्यादा, और शॉर्ट में आपको ज्यादा वो फंक्शन की ना वो डेफिनेशन पूछता है, या ऐसी वो एग्जांपल दे देता है और पूछ लेता है ये फंक्शन है या नहीं है या ऑन टू है या नहीं है, ऐसे पूछता है, ठीक है। ये आप कर लेंगे, फंक्शन आप ये कर सकते हैं। अच्छा ये आगे और आई है कोई कॉन्स्टेंट, ठीक है कॉन्स्टेंट को देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ x belongs to y is a constant function if it maps sends all elements of x to one elements of y, ठीक हो गया। मीन के अगर आपकी डोमेन के सारे एलिमेंट कोड डोमेन के एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो ना, उसको कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे, ठीक है। इजी है, कोई मुश्किल नहीं जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो, आवाज आ रही है, कोई क्वेश्चन हो जी, आवाज आ रही है सर जी, जी यस सर आ रही है सर। ये जो ग्राफ्स करने इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स जो बना ग्राफ जो ये नहीं नहीं वो जो आप ग्राफ बना रहे हैं ना वैसे वो अहम नहीं है। अगर देखा जाए तो ये टर्म्स आ जाती हैं जो डीपली अगर आप पेपर देखेंगे ना आपको पेपर से अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ इतने अहम नहीं है आपको फंक्शन के रिलेटेड, बस वही फंक्शन रिकॉर्डिंग स्टॉप। वो पेपर्स देखे थे तो मैंने फाइल लार्ज जी, कोई नहीं, ये मैं ना आपको डिस्कस करना है थोड़ा सा। स्क्रीन शेयर है पेपर, ये देखें मीटिंग एंड ना हो जाए। ये स्क्रीन शेयर है, बताएं जल्दी। ये मैं पेपर आपको दिखाता हूँ, ये मैं भेज चुका हूँ आपको सॉल्व करके सारे, ठीक है, चैप्टर टू से रिलेटेड। अभी सीक्वेंस सीरीज वाले पढ़ेंगे, लेकिन जो सेट से रिलेटेड रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड पढ़ लिए ना वो आप याद करें, साथ साथ करते जाएं, आपको ये बाद में फिर भूलेंगे नहीं, ठीक है। पेपर में करने की जरूरत नहीं। कार्डिनलिटी आप निकाल सकते हैं, ये तो आपको पता ही है टर्म का, ठीक है। जो एलिमेंट्स होते हैं आप कार्टेशियन निकालते हैं उसकी कार्डिनलिटी जो है, टर्म्स आपको पता ही है। इंटरसेक्शन आपको पता ही, जितने भी कॉमन एलिमेंट आप निकालते हैं उसके, यूनियन और इंटरसेक्शन, ये पेपर में आए हुए हैं जस्ट, जो सारे मैं आपके सामने बता रहा हूँ आपको, चैप्टर वाइज मैंने सॉल्व किए, ठीक है। अब ये भी आप निकाल सकते हैं, ये भी पेपर में आया हुआ है कार्टेशियन, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ट्रांजिटिव क्लोजर क्या है जी, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए। फाइल शेयर्ड नहीं, क्या शेयर नहीं हुई,
आपको नजर शो नहीं हो रही? नहीं, ये फाइल नहीं शेयर हुई अभी ग्रुप में। ये नहीं हुई फाइल शेयर? मैं भेज चुका हूँ। चले आप ग्रुप में, मैंने कहा अभी शेयर नहीं हुई। चले ठीक है, आपने बाद में तो नहीं ज्वाइन किया? वैसे मैंने भेजी थी। चले मैं फिर दोबारा भेज दूंगा। नहीं आई नहीं ग्रुप। ये सेकंड चैप्टर की है ना? सेकंड चैप्टर की है, सेकंड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन। हां जी, ये शेयर हुई हुई है जी, मैं भेज चुका था उसी दिन जिस दिन ये मैंने सॉल्व किया। चलें फिर भी देख लीजिएगा, अगर ना मिली तो बता दीजिएगा, सर्च कीजिए। ठीक है, तो ये डिफाइन आप कर लीजिएगा। ये देखें अब यहाँ पे जो आई थिंक ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है ना, उससे रिलेटेड ये फंक्शन नहीं है, इस चैप्टर में नहीं है। ये आगे कोई टर्म आएंगी आई थिंक वहां पे उसने डिफाइन किया, लेकिन मैंने इसको साथ ही डिफाइन कर दिया। चलें कि आपको फंक्शन के टर्म में सेंस में ये याद रहेगा, तो ये आप डिफाइन इसको पढ़ लीजिएगा। मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है, और फ्लोर फंक्शन, ये उसने पूछी थी, ठीक है, पेपर में आपकी। इजी है, डेफिनेशन है, आपने सिर्फ डेफिनेशन इसको याद करना। रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन आपको सर करवा चुके होंगे, फंक्शन कह लें रिलेशन कह लें, इजी है कि 1-1 जैसे 2-2, 3-3 जो रिफ्लेक्सिव होते हैं इमेजेस, ठीक है, उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी है रिलेशन और फंक्शन की, उसने डेफिनेशन पूछी हुई है, रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक कोई मिस्टेक थी, मैंने देखी थी, रिलेशन इन विच नो इनपुट रिलेट टू मोर देन, यहाँ पे वही मोर देन आएगा, वही जो दूसरी फंक्शन की कंडीशन थी ना वो लिखी है डेफिनेशन, के रिलेशन इन विच नो इनपुट रिलेट टू मोर देन 1 आउटपुट, ठीक है। ये फंक्शन की आप वो डेफिनेशन कर सकते हैं। ये रिकरेंस रिलेशन और रिकर्सिव ये सारे आगे देखेंगे, ठीक है, सीक्वेंस और सीरीज में, बाकी ये बाद वाले। अभी आपका सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है इस चैप्टर का, मैट्रिसेस पढ़े हैं जी।